हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ रोम में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में। दोस्तों, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्वाद्ध रोम काल अर्ली रोम पीरियड, उत्तरार्ध रोम काल लेटर रोम पीरियड। तो बात करते हैं इन दोनों के बारे में। पहले बात करते हैं पूर्वाद्ध रोम काल अर्ली रोम पीरियड के बारे में। तो दोस्तों, जिस प्रकार पूर्वाद्ध एथेंस उत्तरार्ध एथेंस को दर्शन शास्त्रियों का युग कहा जाता था, उसी प्रकार इस काल को भाषणकर्ताओं का युग कहा जाता है, यानी कहा जाता था, ठीक। और शारीरिक शिक्षा, यानी यहाँ पे उस समय शारीरिक शिक्षा का आधारभूत केंद्र घर थे, मतलब घर पे ही पिता के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था वो कुशल वीर और बलशाली सैनिक बनाना था, ठीक। और सैनिक प्रशिक्षण के लिए यहाँ एक विशेष प्रकार का व्यायामशाला होता था, ठीक, जिसको कैंपस मार्शियस बोला जाता था। और इसका जो नाम कैंपस मार्शियस है, वहाँ के युद्ध के देवता थे मार्स, उन्हीं मार्स के नाम पर इस कैंपस मार्शियस का नाम क्या कहते हैं, कैंपस मार्शियस रखा गया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है। और ये हेलेंस खेल काफ़ी प्रचलित है, ये हेलेंस खेल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अक्सर पूछा जाता है कि हेलेंस खेल किस काल में काफ़ी प्रचलित था। तो इसका आंसर होगा पूर्वाद्ध रोम का। तो हेलेंस खेल में वहाँ के जो नागरिक थे अपनी स्वास्थ्यता का प्रदर्शन करते थे हेलेंस खेल में, ठीक। और यहाँ क्या कहते हैं, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन शास्त्र के एक महान विद्यार्थी थे जिनका नाम गेलेन था, ठीक। और उन्होंने जो अभ्यास करते हैं हम और जो आहार ग्रहण करते हैं उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर विशेष ध्यान दिया। और इस काल के लोगों ने यूनान की शिक्षा पद्धति को अपनाया, ठीक, और एक लेडर नामक पद्धति को शामिल किया। दोस्तों, ये लेडर नामक पद्धति भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो अक्सर ये भी पूछा जाता है कि लेडर नामक पद्धति को किस काल में शामिल किया गया, तो पूर्वाद्ध रोम काल, ठीक। और इसमें लेडर नामक पद्धति में प्राइमरी स्तर पर स्कूल ऑफ लिटरेचर, सेकेंडरी लेवल पर स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स, हायर लेवल पर स्कूल ऑफ रेटर शामिल किया गया। ये जो तीनों है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, इसके लिए अच्छे से याद कर लीजिए इसको, ठीक। और ग्रीस के पैलेस्ट्रा को नापसंद किया गया तथा पब्लिक खेलों पर बल दिया गया। रथ दौड़ इस काल में, यानी पूर्वाद्ध रोम काल में काफ़ी प्रसिद्ध था, और यहाँ ग्लेडिटोरियल कॉम्बेट काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। ग्लेडिटोरियल कॉम्बेट का आयोजन जो है एमपी थिएटर में किया जाता था, जिसमें दास, क्रिमिनल आदि को प्रतिभाग कराया जाता था। ब्रूटल ग्लेडिटोरियल कैंपस, यानी खड्ग क्रियाओं का अस्तित्व आया, और आगे चलकर ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ। अब बात करते हैं उत्तरार्ध रोम काल लेटर रोम पीरियड के बारे में। दोस्तों, इस काल में शोषण, घुसखोरी, विवाह विग्रह आदि कुरीतियाँ चरम सीमा पर पहुँच गई थी, और शारीरिक शिक्षा जो था वो केवल सैनिकों और व्यवसायियों तक ही सीमित रह गया था। और यहाँ पे थर्म फॉर बाथ, जिसको हम कोलेजियम भी कहते थे, ठीक, उस समय उसको कोलेजियम भी कहते थे, यानी स्नानागृह कहा जाता था। इसका प्रयोग, कोलेजियम का प्रयोग व्यायाम करने के लिए किया जाता था, क्या करने के लिए, व्यायाम करने के लिए किया जाता था, ठीक। और इसमें कोलेजियम में विभिन्न प्रकार के कक्ष थे, जिसमें कुछ व्यायाम के लिए होते थे, कुछ गेंद खेलने के लिए, खेलों के लिए, और कुछ तेल मालिश के लिए, कुछ भाप स्नान के लिए आदि के लिए प्रयोग किए जाते थे। और यूनान के पैन हेलनिक राष्ट्रीय खेल उत्सवों का पतन कोरिंथ के पराजय के बाद हो गया। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि यूनान के पैन हेलनिक राष्ट्रीय खेल उत्सव का पतन किसके पराजय के बाद हुआ, तो कोरिंथ के पराजय के बाद हुआ, ठीक। और इस काल में कई ऐसे सम्राट थे जिन्होंने ओलंपिक खेलों को पुनर्जन्म देने का प्रयास किया, परंतु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। और इस दिशा में अगस्टस का नाम, सम्राट का नाम काफ़ी प्रचलित रहा। इस काल में ग्लेडिटोरियल कैंपस, ठीक, इस काल में ग्लेडिटोरियल कैंपस
काफी प्रसिद्ध थे, जिसमें प्रतिद्वंदियों को ग्लेडिटोरियल कैंपस में प्रतिद्वंदियों को युद्ध सज्जा में शस्त्र का उपयोग करना होता था, ठीक ना। और इस द्वंद्वात्मक खेल में पशु और मनुष्य दोनों भाग लेते थे, और जब तक विजयी वाला होने वाला व्यक्ति पराजित होने वाले व्यक्ति को दया करते हुए अंगूठा ना खड़ा कर दे, तब तक प्रतियोगिता चलती रहती थी, ठीक। और इस काल में गेलन नामक एक विद्वान थे, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शारीरिक क्रियाओं के दौरान पल्स की गणना की। दोस्तों ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा पल्स की गणना सर्वप्रथम किसने की, तो गेलन नामक विद्वान ने, ठीक। और इन्होंने इसलिए गेलन ने विभिन्न शारीरिक अंगों की अनुशंसा की तथा इन क्रियाओं को तीन भागों में, यानी इन शारीरिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा है। पेशी तान विकसित करने वाली व्यायाम प्रक्रिया, दूसरा दुरंतगामी व्यायाम, और तीसरा कठोर परिश्रम पूर्व व्यायाम। यानी पहला भी पेशी यों को विकसित करने वाले व्यायाम, एक दुरंत का भी जो होता है दौड़ने धूपने वाला, और क्या कहते हैं जो मोटर स्किल होता है, और तीसरा है कठोर परिश्रम पूर्व, जिसमें कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। ऐसे मतलब तीन भागों में इन्होंने शारीरिक अंगों को अनुशंसा को बांटा, प्रक्रियाओं को, ठीक। और इस व्यायाम चिकित्सा, यानी जो व्यायाम चिकित्सा है, संसार को गेलन की ही देन है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि व्यायाम चिकित्सा जो है संसार को किसकी देन है, तो गेलन की ही देन है, ठीक। और रोम को एक चरम सीमा तक पहुंचने के उपरांत इस पर साम्राज्य का पतन हो गया। इस साम्राज्य पर ट्यूयोनिक नामक जाति ने विजय प्राप्त की। कौन जाति ने? ट्यूयोनिक जाति ने, ठीक। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक, कि रोम को एक चरम सीमा तक पहुंचने के उपरांत उस साम्राज्य पर किस जाति ने विजय प्राप्त की? ट्यूयोनिक, ठीक ना। तो दोस्तों अक्सर आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन लगवाया जाता है, जो आप बिना पढ़े लगाते हैं तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो मैं पहले विस्तार से व्याख्यात्मक क्वेश्चन बता रही हूँ, इन सबको विस्तार से समझाने के बाद मैं भी एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगी सबके संबंधित, ठीक, जिससे आप आसानी से उसे हल कर सकेंगे। पहले पढ़ के फिर एमसीक्यू लगाइए तो अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।